हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, इसको समझने से पहले कैटालिसिस क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने उसका आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स प्रोवाइड किया हूं। तो उसमें हमने देखा था कि कैटालिस्ट जो होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस कैटालिसिस एंड एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सो दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं एंजाइम कैटालिसिस के। यहाँ पे होमोजीनियस कैटालिसिस को समझने के लिए दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक है हमारा एसिड बेस कैटालिसिस एंड एक है हमारा एंजाइम कैटालिसिस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एंजाइम कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, साथ ही साथ इसका मैकेनिज्म समझेंगे जो कि एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका हम थ्योरी पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो डेफिनेटली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होगा। सो एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है, उससे जाने से पहले कैटालिसिस क्या होते हैं इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो कैटालिसिस जो है इज अ फिनोमिना इन विच द rate of the reaction is altered with the help of a substance called a catalyst. The catalyst does not participate in the reaction. So basically catalyst जो है हमारा एक फिनोमेना है, एक घटना है जहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बदल जाता है विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस जिसे कैटलिस्ट कहा जाता है। बेसिकली ये जो है कैटलिस्ट जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी रिएक्शन में। सो कैटलिस्ट हमारा क्या है, कोई भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है हम एज्यूम करते हैं, तो इसको उत्प्रेरित करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज किया जाता है उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक है। उसके बाद द सब्सटेंस यूज टू चेंज द रेट ऑफ द सब्सटेंस यूज टू चेंज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कोई भी जो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज करेगा उसे कैटलिस्ट कहा जाता है। एंजाइम्स आर क्लास ऑफ कैटालिसिस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मैनी वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एंजाइम कैटालिसिस होता है वो प्लांट्स और एंड एनिमल्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वाइटल बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, उनके रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। द कैटालिसिस इन विच एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एंजाइम कैटालिसिस। तो एक कैटालिसिस जहां पे एंजाइम जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। एंजाइम जो है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस का एज अ यूज ऑफ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, तो उसे एंजाइम कैटालिसिस कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक हो गया। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं कैटलिस्ट की तरह हम यूज कर सकते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को जो है रेट को इंक्रीज करने के लिए। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं एंजाइम कैटालिसिस के। सो अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट कैन ट्रांसफॉर्म अप टू अ मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर सेकेंड। सो बेसिकली किसी भी रिएक्शंस को कराने के लिए बहुत ही छोटा अमाउंट में जो है कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कैटालाइज जो होता है वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिएक्टेंट को जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं पर सेकेंड में। रिएक्शंस बहुत फास्ट होता है बहुत कम कैटलिस्ट यूज करने के बावजूद भी। एंड द सेम कैटलिस्ट जो एंजाइम कैटालिसिस अगर एक रिएक्शंस को जो है इंक्रीज करने के लिए, रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज कर चुके हैं, तो उसको सेम को हम यूज नहीं कर सकते हैं एक से ज्यादा रिएक्शन में। एंड बायोकेमिकल कैटलिस्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशंस। ये जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं जैसे एंजाइम्स, ये डिपेंड करते हैं किसी भी सॉल्यूशंस के पीएच पर। एंड द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम यूजुअली इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कोएंजाइम। कोएंजाइम की उपस्थिति में डेफिनेटली एंजाइम के एक्टिविटी में जो है इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो ये एंजाइम कैटालिसिस का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस टॉपिक का। जो है ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम कैन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस। दिस कैविटीज पोसेस ग्रुप सच एस COOH minus HS etc. and so these centers are called as the active center of the biochemical particles. The substrate which has the opposite charge of the enzymes fills into the cavities just as a key first into a lock. Due to existence of the active group, the complex of the active एग्जिस्टेंस ऑफ द एक्टिव ग्रुप द कॉम्प्लेक्स फॉर्म डिकम्पोज टू गिव द प्रोडक्ट्स. ओके, सो ये जो है थ्योरी पोर्शन है, इसको हम डायग्राम में बहुत अच्छे समझेंगे. इसमें बेसिकली क्या कहा गया है इसको, सो हेंस दिस हैपन्स टू टू स्टेप. दो स्टेप में ये जो थ्योरी पोर्शन है इसको दो स्टेप में कंप्लीट किया जा सकता है. इसको थ्योरी को समझने के लिए डायरेक्ट डायग्राम हम देख सकते हैं. यहाँ पे क्या कहा गया है, जो एंजाइम्स होता है वो बेसिकली इसमें बहुत सारे कैविटीज पाए जाते हैं, इसके आउटर सरफेस में कैविटीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये जो सेंटर्स होते हैं इनको एक्टिव साइट्स कहा जाता है. ये सबस्ट्रेट में भी पाया जाता है एंड ये एंजाइम्स के जो आउटर साइड में जो कैविटीज हैं इनको हम एक्टिव साइट कहेंगे. एंड जो सबस्ट्रेट होगा उसमें अपोजिट जो है इसके सबस्ट्रेट विच हैज अपोजिट चार्ज ऑफ द एंजाइम्स. तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज पाए जाएंगे, मतलब दोनों, जैसे यहाँ पे की एंड लॉक की तरह, अगर ये की है तो ये लॉक की तरह जो है, ताला चाबी की तरह जो है, जैसे ताला, एक पर्टिकुलर ताला में एक पर्टिकुलर चाबी ही यूज किया जा सकता है, उसी प्रकार एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट में जो है एक पर्टिकुलर एंजाइम ही जुड़ सकता है. तो इसी प्रकार इस एक्टिव साइड में ये एंजाइम जाके जुड़ेंगे. उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिससे फिर एंजाइम जो है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का फिर फॉर्मेशन हो जाएगा. ये एंजाइम अलग हो जाएंगे एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा. यहाँ पे एंजाइम एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, इसीलिए ये जो है इनके आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ ये जो है इस रिएक्शंस को बढ़ाते हैं. उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर सेम जो है फॉर्म में ये हमको मिल जाते हैं. तो ये मैकेनिज्म होता है कैटलिस्ट रिएक्शन का. जैसे कि ये सबस्ट्रेट है तो इसमें एंजाइम जो है एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है. तो ये जो होता है दो स्टेप में होता है बेसिकली. पहला कंबाइनिंग ऑफ एंजाइम एंड द रिएक्टेंट, जैसे कि जो एंजाइम और रिएक्टेंट जो है कंबाइन करेंगे पहले स्टेप में. एंड सेकेंड स्टेप में हमारा होगा डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव अ प्रोडक्ट. तो ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा इसको जो है हम अलग करेंगे, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स है एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट का, वो जो है फिर डिसइंटीग्रेशन होगा उसमें, तो ये प्रोडक्ट का हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. एंजाइम्स एंड प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे. तो ये मैकेनिज्म है बेसिक सा इस डायग्राम से. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. एंड ये इसका थ्योरी पोर्शन है. थ्योरी पोर्शन जो है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए. एंड मैं आपको इस चैनल में सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, साथ ही साथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने का प्रयास करता हूँ. सो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है. अगर ये क्वेश्चन आपके आता है तो ये बेसिक एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड ये मैकेनिज्म आप दे सकते हैं, ये डायग्राम आप बना सकते हैं. इतना इनफ होगा आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए. जनरली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 2 पेज में आप ये लिख सकते हैं. सो बस ये था इस टॉपिक का एनालिसिस. आप इसको देख के अपना नोट्स बना सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको एमएससी सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैंडमेड्स नोट चाहिए तो आपको नीचे लिंक मिलेगा पीडीएफ स्टोर का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. वहां आपको सभी जो है सेमेस्टर के हैंडमेड्स नोट्स यूनिट वाइज मिलेंगे, जो डेफिनेटली आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. सो आप ले सकते हैं वे यूनिट्स. सो बस ये था इस टॉपिक का एनालिसिस. आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.